नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को बोर्ड पे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री को लेके आएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से बेसिक्स को, फिजिक्स क्या होती है ये जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भौतिकी पार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन का कि फिजिक्स क्या है या फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिक्स क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा और उसके विभिन्न स्वरूपों तथा उसकी मतलब ऊर्जा की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं फिजिक्स कहलाती है। ऊर्जा और इसके विभिन्न स्वरूप, ठीक है, विभिन्न स्वरूपों की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन है वो फिजिक्स कहलाता है। और यहां पर देखिए दो बार बिल्कुल उभर कर सामने है, पहला है ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। तो पहली बात आती है जब ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु, अगर हम इस पर्टिकुलर पेन की बात करते हैं तो इस पेन की कार्य करने की क्षमता, मान लीजिए इस पेन के द्वारा इस व्हाइट बोर्ड पे या टोटल इसकी लाइफ में जितना लिखा जा सकता है इसकी ऊर्जा है, या जिस भी डिवाइस से ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जब तक वह कंप्लीट रहेगा, जब तक वह चलेगा तो उसकी ऊर्जा, वो डिवाइस जब तक बिना चार्ज के रिचार्ज के जब तक चलेगी वह उसकी ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। फिर बात आती है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना उत्पन्न की जा सकती है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसके विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं, हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं स्वयं घिरे रहते हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो ये बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनसे हम आपस में घिरे रहते हैं। तो ये हो गए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। अब बात आती है द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, तो वह वस्तु जो स्थान में होती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। ठीक है, वह जो स्थान घेरे व जिसमें द्रव्यमान व भार हो, क्या हो, द्रव्यमान तथा भार। ठीक है, अब वह क्या है, द्रव्य है। अब इसमें भी जब इसकी द्रव्य की परिभाषा देखते हैं तो उसमें द्रव्यमान और भार दो नए सामने आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो द्रव्यमान और भार को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे क्या डिफरेंस है। भार क्या है, मान लीजिए किसी भी वस्तु की हमें ऊर्जा सीखी, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप पढ़े अभी, और पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अभी हम द्रव्य पढ़ रहे हैं, द्रव्य क्या है, वह वस्तु जो स्थान में है जिसमें द्रव्यमान व भार हो, द्रव्यमान व भार हो वो द्रव्य है। अब द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो भार क्या है, किसी भी वस्तु का लगने वाला आकर्षण जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं भार कहलाता है। भार क्या है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल। और आकर्षण बल क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण। तो किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वह उसके भार को डिनोट करता है। अब बात आती है द्रव्यमान की, तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है वह द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान क्या है हमारा, पदार्थ की मात्रा।
तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। और किसी भी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या होगा? भार होगा। तो ये दोनों बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, भार और द्रव्यमान। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। भार परिवर्तित होता है, किसी भी वस्तु का जो भार है वह परिवर्तित होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा फिजिक्स क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या है, विभिन्न स्वरूपों को कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार, विभिन्न स्वरूपों से परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए ध्वनि ऊर्जा है जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ये सब जो ऊर्जाएं हैं उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना है। तो आप मान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं किसकी सहायता से? डायनामो की सहायता से, ठीक है। डायनामो की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का जो स्वरूप है यांत्रिक ऊर्जा से बदलकर विद्युत ऊर्जा होगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो है उसको सिद्ध करता है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो ऊर्जा का फिजिक्स नियम, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और द्रव्य के साथ उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स के टोटल नियम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे उन सब की जानकारी हमने अभी हासिल की। अब बात आती है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की, वो क्या होता है कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वो होता है E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। कई बार सिर्फ सिंपल ये पूछा जाता है प्रीलिम्स की परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में, कि निम्न में से द्रव्यमान जो आइंस्टीन का ऊर्जा समीक्षण नियम है, द्रव्यमान ऊर्जा समीक्षण नियम, वो क्या है। तो अलग अलग टाइप से लिख के देता है इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी इज इक्वल टू एम सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको देगा। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने बेसिक्स की जानकारी की, मतलब सिर्फ ये जानना है कि फिजिक्स क्या है और उसमें हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वाला पार्ट होगा पार्ट टू, उसमें भी स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स में, सबसे पहले मापन की, मापन क्या है और मापन की जरूरत क्यों पड़ती है, इन सब की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं पार्ट टू के वीडियो का कि मापन क्या है। किसी भी वस्तु का उसके मात्र के साथ तुलना करना मापन कहलाता है, और या ये बोलते हैं किसी एक वस्तु का एक से अधिक वस्तुओं के साथ तुलना करना उसका मापन कहलाता है। सो जो हमारा पार्ट टू होगा उसमें हम मापन की डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। उम्मीद करते हैं बेसिक का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप साइंस के, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के भी वीडियो रेगुलर रूप से व्हाइट बोर्ड पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।